आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। विकास संवाद समिति और महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पोषण और खाद्य मेले का भव्य कार्यक्रम जनपद पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। आयोजन में 50 गांवों की 500 से अधिक महिलाओं ने सहभागिता करके अपने परंपरागत व्यंजनों और खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए विकास संवाद समिति के जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रतीक भाई ने बताया कि हमारे भोजन के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण हम लोग अपने भोजन में पोषण का ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि विविध प्रकार के आहार पदार्थ हमारे घर परिवार और आसपास उपलब्ध हैं। इन सब के दुष्परिणाम हम समाज में महिलाओं में एनीमिया और बच्चों में कुपोषण के रूप में देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में आहार के महत्व और भोजन में विविधता को बढ़ाना है। कार्यक्रम में 180 प्रकार के व्यंजन, 8 प्रकार की दालें, 80 प्रकार के अनाज, 22 प्रकार के दूध से बने पदार्थ, 6 प्रकार के लड्डू, 6 प्रकार की भाजियाँ, 35 प्रकार की सब्जियाँ, 8 प्रकार के अचार, 22 प्रकार के जंगली कंद और वनस्पतियाँ शामिल हुई हैं। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह, SDM PS त्रिपाठी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मझगवा सुलभ सिंह पोशाम, CDPO RK बांगरे, जनपद पंचायत मझगवा की अध्यक्ष श्रीमती रेणुका जायसवाल शामिल हुई।